7 मिनट्स का रूल क्या है कि मैं सोचूं कि यार जिम, वहां जिम में जाके वर्कआउट करना है। जिम में जाके वर्कआउट करने के लिए सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ? सबसे पहला काम यह है कि मैं जो भी पहला काम करता हूँ, सब जिसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं पहला काम यह है कि मैं अपनी सेव करता हूँ, क्योंकि मेरे को फौज से आदत पड़ी हुई है, बिना सेविंग के जाना नहीं है। हमारे यहाँ फौज में रात को 3 बजे हमारी सेविंग परेड हुआ करती थी, तो हमारे सीनियर्स उल्टा ऐसे उंगली लगा के चेक करते थे कि कोई बाल चुप तो नहीं रहा। जिसका कोई बाल चुपता था तो उसको वो स्कॉट से निकाल के लेग्स ऑन दी वॉल करवाते थे कि वॉल के ऊपर लेग, और बाकी लोग जाके वापस सो जाते थे, और जो हम फंस गए जिसके कुछ बाल चुप गए उनको वहां पर लेग्स ऑन दी वॉल की पोजिशन में रहना पड़ता था घंटे 1.5 घंटे तक। आप सोचो कि कितना मेंटल टॉर्चर था कि आप 3 बजे रात को दिन भर की फिजिकल ट्रेनिंग के बाद इतनी खतरनाक नींद आती है कि आंखें खुलती नहीं, और उसमें भी खुल के आप गए किसी तरह मरते पड़ते गए अंधेरे में, और फिर पता नहीं सीनियर के क्या एक की बाल चुभ गया, और फिर वो 1.5 घंटे आपको खड़ा बाकी लोगों को छोड़ दिया कि वो जाके सो, तो कितना मेंटल टॉर्चर होता होगा। तो इसके लिए वो अगले दिन जो है ना, हम लोग मतलब सुनिश्चित करते कि यार बाल कोई न रहे, क्योंकि पनिशमेंट बहुत तगड़ी थी ना। तो हम सुबह उठने को मैं बात कर रहा, तो आप पहला काम जो है, पहला काम जो भी करते हो जिम जाने के लिए, वो पहले काम को कर लो। जैसे मैंने अगर पहला, तो मैं ये नहीं सोचूं कि मेरे को 1 घंटा जिम जाना है, मैं क्या करूं, पहला काम कर लूं कि मैं अपनी सेविंग करूं, तो गाड़ी चालू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। गाड़ी देखो, आपको ना अपने माइंड को कई बार उल्लू बनाना है, माइंड आपको उल्लू बना रहा है ना, खेल तो वही है, माइंड आपको हर वक्त उल्लू बनाता है, क्योंकि माइंड के अपने एजेंडा है। तीन एजेंडा है माइंड के, तीन एजेंडा है, कौन कौन से हैं? सेव एनर्जी, एवॉइड पेन, सीक प्लेजर। तो अभी आपका एजेंडा तो ये, आपके तो एजेंडा नहीं है ना ये, क्योंकि अगर इस एजेंडे से चले आप, माइंड के एजेंडे से चले, तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे लाइफ में, क्योंकि आपको तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। मुझे, मैं रनिंग करने जाता हूं तो एनर्जी खर्च होती है, मैं जिम जाता हूं एनर्जी खर्च होती है, मैं काम करता हूं ऑफिस का एनर्जी खर्च होती है। कंफर्ट से बाहर निकल के, कंफर्ट जोन में जो रहा वो लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है ना आगे बढ़ने के लिए। सारे मोटिवेशनल स्पीकर यही तो बोलते हैं, बोलने की क्या बात है, मतलब आपको भी बताइए, आप कंफर्ट में रहकर बड़े इंसान बन सकते, बड़े इन द सेंस की कर्म से या जो भी है, पद से भी बड़े नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपको काम करना ही पड़ेगा, तो आपको कंफर्ट जोन तोड़ना ही पड़ेगा। तो कंफर्ट जोन, तो माइंड तो बोलता है कि प्लेजर वाला काम हमेशा करते रहो, पेन वाला काम करना ही नहीं है, तो माइंड के एजेंडा को तो तोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो पहला काम जो है, जो भी काम आपको, आपका जो आपने हैबिट बनानी है उसमें टाइम जितना भी लग रहा हो, तो कई बार आपको उल्लू बनाना पड़ता है माइंड को, पहला काम कर लो, उसके बाद जैसे मैं सेविंग करता हूँ ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, जूते पहनता हूँ निकल जाता हूँ, फिर एक बार जिम पहुंच गए फिर तो कुछ बात ही नहीं है, फिर तो गाड़ी चल जाती है, गाड़ी स्टार्ट करने की बात है ना बस, हो जाए।